क्या बात है, सिग्नल ऐसा 2 सेकंड बचे थे तभी क्रॉस कर लिया मैंने, मजा आ गया। अरे चोट लगी है बंदे को बहुत। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत गर्मी पड़ रही है मुंबई में यार, पसीना पसीना पसीना। कपड़े पहनो 10 मिनट में कपड़े गीले हो जाते हैं। आई नो ऑल ओवर इंडिया में गर्मी पड़ रही है, लेकिन मुंबई में कुछ ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि 40-42 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है और ह्यूमिडिटी 70% के ऊपर है। पर मैं यहाँ बात क्यों कर रहा हूँ, हम लोग चलते चलते बात करते हैं। सो करंटली आई एम इन अंधेरी वेस्ट एंड दिस एरिया इज अम्बोली। शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, और मैं जा रहा हूँ अंधेरी ईस्ट, मुझे थोड़ा काम है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक ऐसा छोटा सा मोटो व्लॉग शूट कर लिया जाए। वैसे ही मैंने अपने चैनल पे काफ़ी दिनों से ऐसा डेली ऑब्जर्वेशंस नहीं डाले हैं। दोपहर का 2 बजे का टाइम है और काफ़ी धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया नहीं कि आज सैटरडे है, तो मैं सैटरडे को ही अपने व्लॉग्स या जो भी कुछ है ट्यूटोरियल्स जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बाइक इम्प्रूवमेंट्स के, बाइक सर्विस के, वो सब शूट करता हूँ। तो वैसे मेरा चैनल टेक्निकल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड नहीं है, चैनल जो है यूजुअली लाइफस्टाइल मोटो व्लॉग्स का है, लेकिन अभी तक मैंने लाइफस्टाइल व्लॉग्स मैंने शूट नहीं किए हैं। क्या बात है, सिग्नल ऐसा 2 सेकंड बचे थे तभी क्रॉस कर लिया मैंने, मजा आ गया। पब्लिक के पास कितना टाइम है, तो स्लो स्लो चलाते हैं, मतलब कुछ करना नहीं है क्या लाइफ में, धीरे 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 चलते रहेंगे बीच रोड में दूसरों का रास्ता ब्लॉक करते हुए। अरे चलो यार साइड में, तुमको स्लो चलना तो किसने मना किया है। यहाँ लेफ्ट नहीं है, जा तो रही है पब्लिक, तो फिर हम क्यों नहीं जाए, हम क्या किसी से कम है। ये ट्रेन के ट्रैक से ऊपर, इसे अंधेरी सब पे बोलते हैं इस एरिया को। मुंबई में ट्रेन के ट्रैक्स ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करते हैं, और ईस्ट और वेस्ट अपने आप में पूरे शहर है। तो वेस्ट लोकेशंस आर लाइक प्राइम लोकेशंस, ईस्ट थोड़ा ऑफिसेज और थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया टाइप की जगह है ईस्ट में, मोस्टली रेजिडेंशियल भी है लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और ऑफिसेज हैं। अंधेरी वेस्ट इज लाइक मोस्टली रेजिडेंशियल एंड मॉल्स एंड एवरीथिंग, पूरे मुंबई में ज़्यादातर ऐसा ही है। okay, तो फाइनली मीटिंग हो गई, तभी बताऊंगा आप लोगों को इत्मीनान से कि क्या मीटिंग हुई। अभी मैं लौट रहा हूँ, वापस घर की तरफ जा रहा हूँ, हवा चलती है बहुत अच्छा लगता है। और ये जीप और फिएट का शोरूम इधर, ये रोड सीधा ऐसा जू कनेक्ट करता है, ये लेफ्ट में BMW का शोरूम। अरे चोट लगी है बंदे को बहुत। ये प्रॉपर जुहू का इलाका है। ये DSG का हमारा शोरूम मुंबई,
DSG सुजुकी जुहू सर्कल कहलाता है ये। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लोकेलिटीज में से है ये मुंबई में। वैसे तो बहुत जगह हैं, कोलाबा है, बांद्रा का एरिया है, काफी टाउन साइड, बहुत जगह बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये भी उनमें से एक है, बहुत एक्सपेंसिव एरिया है रहने के लिए खासतौर पर। हाँ, सिग्नल खुला हुआ मिल गया किस्मत से, नहीं तो यहाँ पे कम से कम 4 बार सिग्नल बंद होता है, 4 या 5 बार, तब आप जाके कहीं छठे सिग्नल पे बाहर निकलते हो। ये सिग्नल छोटे हैं और गाड़ियाँ बहुत ज्यादा। ये नगर का पुलिस चौकी। अरे वाह, अभी तक रिकॉर्डिंग कर रहा है। कैसा लग रहा हूँ मैं हेलमेट वेलमेट के साथ? ये मैं पूरा ऐसे कवर करके रखता हूँ। घर आने के बाद कितना खुश था मैं कि मीटिंग अच्छे से हो गई है, काम स्टार्ट हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं घर जल्दी वापस आ गया और थोड़ा सनलाइट बाकी है, तो क्यों ना फैमिली को जूहू बीच ले जाते हैं घुमाने के लिए और आपके लिए व्लॉग भी बना लेंगे और साथ में कुछ शूट कर लेंगे इधर उधर का। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, पूरा मूड स्पॉइल हो गया, पूरा खराब हो गया मूड। और ये कैसे हुआ आप आगे देख लीजिए। चारों तरफ पूरे बीच पे आपको सिर्फ प्लास्टिक के रैपर्स, बॉटल्स, चिप्स के पैकेट्स, ये सब ही कचरा मिलेगा, पेपर, टिश्यू, टॉवल्स और इधर उधर की चीजें फेंकी हुई। इतने कचरा होने के बावजूद पब्लिक वहां पे बैठी थी, शीट बिछा के या चादर बिछा के नीचे बैठी थी और एंजॉय कर रही थी। इतना कचरा और स्टिंकिंग स्मेल थी। मैं अपने चैनल पे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन जब सामने इतना नेगेटिव हो तो आप उसके बारे में कैसे नहीं बोले। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जूहू बीच पे हॉकर्स अलाउड कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट उनको कुछ बोलती नहीं है अगर वो अलाउड नहीं किए हैं। इतने हॉकर्स हैं, कोई नारियल पानी बेच रहा है, कोई पान पट्टी की दुकान खोल के बैठा है जो सिगरेट्स और पान, तंबाकू ये सब बेच रहे हैं। खाने पीने के स्टॉल्स इतने खुल गए हैं बीच पे जो कि एकदम क्लीन होना चाहिए आइडली। अगर आपने भी कोई ऐसा एरिया देखा हो जहाँ पे आप पहले जाते हो वो बहुत क्लीन रहा हो और अचानक मतलब कुछ पिछले 2-3 सालों से इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, तो आप नीचे कमेंट में डाल के लिख सकते हैं कि कौन सा एरिया है वो जहाँ पहले जाते थे और बहुत अच्छा था लेकिन अब एकदम खराब हो गया है। और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वैसे अभी कुछ खास है नहीं मेरे इंस्टाग्राम पे, आप उसे फॉलो कर लीजिए, धीरे धीरे अपडेट्स चालू हो जाएंगे उस पे, फ्रीक्वेंट वीडियोस भी चालू हो जाएंगे यूट्यूब पे, तो उसे फॉलो जरूर करिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए नीचे और साथ में बेल आइकन भी, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ। तो बस वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, आपको दिख ही रहा होगा टी शर्ट में, और मैंने एकदम फैन वैन सब बंद करके रखा है जिससे एकदम वॉइस क्लियर आए। तो अब मैं फैन वापस चालू करता हूँ, वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।